हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गार्डनिंग एंड पेट हॉबीज। आज हम सीखेंगे एक रुपए से भी कम में फूलों के पौधे कैसे लगाए जाते हैं, जिनकी कीमत दुकान पर 50-70 रुपए होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉक्सकॉम फ्लावर, और उसके बाद है हमारे पास चेरी सन फ्लावर, और उसके बाद है हमारे पास कैंडल ऑफ ईस्टर फ्लावर, और उसके बाद है हमारे पास एस्टर मिक्स फ्लावर। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे लगाते हैं। चाहेंगे कॉर्नर पे हम वहाँ पे देखिए ईंटें रखी हुई है, ईंटों से इसको दबाएंगे और फिर गार्डनिंग सॉइल इसके ऊपर बिछाएंगे। इसमें छेद नहीं करेंगे क्योंकि हम इतना पानी इसमें डालेंगे नहीं कि जिससे पानी बहे या बहने की जरूरत हो। 15-20 दिन बाद जब ये निकल जाएंगे, जैसे देखेंगे कि हाँ ये अच्छे से ग्रो हो गए हैं, तब इन्हें प्लास्टिक बैग में शिफ्ट करेंगे, है ना। देख सकते हैं थोड़े इस टाइप के डिग्गल है। ला उठाऊ दो, वो सब गल जाएगा बेटा, पानी पड़ेगा ना, अभी हार्ड है, सब गल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से पूरी सॉइल को हम फैला लेंगे, गार्डनिंग सॉइल है ये, सॉइल को हम फैला लेंगे और ईंटें लगाएंगे, ऐसे क्यारी बनाएंगे छोटी छोटी, जैसे कि एक क्यारी ये बनाई। रुको बेटा, स्मेल है गार्डनिंग स्मेल, नकली नहीं, ओरिजिनल था। शेल है कि रियल का स्मेल है। एक तीन एक स्कोर बनाना पड़ेगी हमें। जगह तो कौन है डाइट लेके आप ये हो गई हमारी क्यारी तैयार, और इसमें हम सीड्स लगाएंगे, तो सीड्स लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी कम है कैलेंडुला फीस्टा जेंटेना मिक्स। ये आप देख रहे हैं ये सीड्स है, पहले मैं दिखाऊंगा आपको ये सीड्स कैसे होते हैं। ये देख सकते हैं आप सीड्स, ठीक है, ओके सीड्स। मैं पकड़ूंगा सबसे पहले हम थोड़ी बार में कंपोस्ट लेंगे, इसमें डालेंगे और फिर थोड़ी रेत मिलाएंगे, और फिर उसमें सीड्स मिला देंगे। देखिए कैसे सीड्स मिला दिए, इनको अच्छे से मिलाएंगे
सारे सीड्स मिल चुके हैं और इन सीड्स को क्यारी नंबर वन में डालूंगा। सीड्स का नाम आपको जानवी बताएंगे, क्या नाम है सीड्स का? कैनेडुला। कैनेडुला आगे क्या है? फिस्टा। कैनेडुला फिस्टा, फिस्टा और जिटियाना मिक्स। फिर कौन सा है गांधी? सेकेंड एस्टर मिक्स। एस्टर मिक्स थोड़ी सी मिट्टी मिला, वो सैंड मिलाई। सैंड मिलाने के बाद अब मैं आपको एस्टर मिक्स के सीड्स दिखाऊंगा। बहुत ही छोटे छोटे सीड्स है, कुछ तो गिर भी गया। दिखाओ एस्टर सीड्स, एस्टर मिक्स देख सकते हैं। हटो, ये मैंने एस्टर मिक्स को इसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट और इसमें मिला लिया सीड्स को। अब सीड्स को मैं दिया। अब नेक्स्ट हमारा है कॉक्सकॉम मिक्स्ड। कॉक्सकॉम मिक्स देख सकते हैं, कॉक्सकॉम मिक्स्ड, कॉक्सकॉम के बीज काफी छोटे हैं, देख सकते हैं कॉक्सकॉम मिक्स के बीज सीड्स। ये मैंने कॉक्सकॉम के सीड्स तो करता भी तो नहीं है, अरे वीडियो में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉक्सकॉम सीड को मिक्स करके डाल दिया क्यारी नंबर थ्री। अब बहुत से लोग सोचेंगे मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के क्यों डाला। अब बीज या सीड्स इतने छोटे छोटे हैं कि एक एक तुम्हें लगा नहीं सकता, इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया और क्यारी में वर्मी कंपोस्ट के साथ डाला। अब चौथा हमारा जो है सीड्स वो क्या है? हैली चेरी सम मिक्स देख सकते हैं। हैली चेरी सम मिक्स के सीड्स देखेंगे कैसे होते हैं। हाँ, लगभग एस्टर मिक्स जैसे है, चेरी से लग। देखिए
करने के बाद हम ये हमारे सीड्स के लिए टैगिंग करके रखे हमने कि इसमें कौन सा सीड्स लगा हुआ है, देख सकते हैं। हम इसको रात भर के लिए रख देंगे और पानी का थोड़ा टाइम बाद उसको भरेंगे, अभी से इसको ढक देंगे तो थोड़ा सा स्प्रे करेंगे और मेरा जो पंप था वो खराब हो चुका है, मैं रिपेयर करूंगा। मुझे हाथ से पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है, स्प्रे खराब हो चुका है। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, उसको ढक देंगे। हाय फ्रेंड्स, 12 तारीख को हमने ये सीट्स लगाए थे और 12 तारीख को हमने कवर कर दिया था। आज 16 तारीख है, आज हम इसका कवर हटा के देखेंगे और देखते हैं क्या हुआ आफ्टर 4 डेज। देखते हैं, क्लोजअप करो, देख सकते हो थोड़े थोड़े ग्रो हो चुके हैं और एक एक करके जान भी बताती जाएगी कौन कौन से सीड्स हैं ये। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, देख सकते हैं कैंडल ऑफ ईस्टर। कैंडल ऑफ ईस्टर के काफी सारे छोटे 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 प्लांट्स निकल आए हैं। जब ये थोड़े और बड़े होंगे तो इन्हें हम प्लास्टिक बैग में शिफ्ट करेंगे या फिर पॉट में शिफ्ट करेंगे। दूसरा है हमारा एस्टरमिक्स। एस्टरमिक्स में देख सकते हैं थोड़े प्लांट निकले हैं, थोड़े और निकलना बाकी है। और यहाँ देखिए कॉक्सकॉम के तो लगभग यह सारे प्लांट निकल चुके हैं। टच मत करो बेटा। फिर इसके बाद हम आते हैं हेलीकेरिसम। हेलीचेरिसम के कम प्लांट निकले हैं पर ये निकलेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आफ्टर 10 डेज बाद आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे प्लांट्स निकल आए हैं, देख सकते हैं। ये हमारा कैंडल ऑफ ईस्टर मिक्स है, कैंडल ऑफ ईस्टर के भी काफी सारे प्लांट निकल आए हैं। उसके बाद है हमारे पास एस्टरमिक्स। एस्टरमिक्स में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट निकल आए हैं। ये देखिए एस्टरमिक्स का है ये हमारे पास। और उसके बाद है हमारे पास कॉक्सकॉम के तो लगभग सारे प्लांट्स निकल आए हैं। कुछ टाइम बाद इन्हें अलग अलग छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स में शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास हेलीचेरिसम। हेलीचेरिसम के कम प्लांट निकले हैं, थोड़े बहुत और निकलना बाकी हैं अभी।